Hello students, in last video we have started with the systems and we have studied linear and non-linear system. Now in this video we will start with the time variant and time invariant system. Okay, so aaj ki video mein hum log study karenge time variant and time invariant system. Okay, so kya meaning hoti hai? Sabse pehle hum ye understand kar lete hain कि what is the meaning of time variant and what is the meaning of time invariant system. तो अगर किसी system का output जो है आपका वो time के साथ change हो जाता है for a particular input, ठीक है ना, if output or you can say response, ठीक है ना, output को हम response भी बोलते हैं, तो output और response changes with time, okay, changes with time for a particular input. मतलब मैं इनपुट एक ही ले रहा हूं लेकिन अलग-अलग टाइम पर आपका आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा. ओके, क्लियर है, फॉर वन पर्टिकुलर इनपुट. ठीक है, तो जैसे सपोज करिए टाइम वेरिएंट सिस्टम का मीनिंग क्या हो सकता है. अगर मान लीजिए आपने मॉर्निंग में कोई इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला सपोज करिए y1 और आपने सेम इनपुट इवनिंग में 5 o'clock पे दिया और आपको आउटपुट मिला y2, ठीक है ना, सेम इनपुट के लिए, मतलब आपको आउटपुट क्या मिले, डिफरेंट डिफरेंट मिले, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम. सेम अगर मैं बात करूं टाइम इनवेरिएंट की, तो जो आपका आउटपुट और रिस्पांस है दैट शुड बी सेम. ठीक है, सेम रहना चाहिए आपका विथ टाइम फॉर द वन पर्टिकुलर इनपुट. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है जो कि डिफरेंशिएशन करता है और इस सिस्टम में अगर मैं मॉर्निंग पे 9 o'clock पे इनपुट देता हूं 10, तो आउटपुट क्या आएगा, 0. और अगर मान लीजिए मैं इवनिंग पे 5 o'clock पे कोई इनपुट देता हूं 10, तब भी आउटपुट क्या आना चाहिए, 0. तो वो क्या कहलाएगा, आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. मतलब अगर किसी सिस्टम का आउटपुट टाइम के साथ चेंज नहीं होता फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट. क्लियर है. नाउ यहां पर अब अगर मैं सिग्नल सिस्टम के हिसाब से मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन देखूं, तो सपोज करिए अगर किसी सिस्टम के लिए इनपुट xt है और सिस्टम का जो आउटपुट है वो yt है, ठीक है. अब अगर मैं इनपुट अप्लाई करता हूं xt-t0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका yt-t0. क्लियर, क्लियर अच्छे से. जब आप इनपुट को डिले कर रहे हैं तो आउटपुट भी डिलेड टाइम पे मिलना चाहिए, लेकिन आउटपुट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. आप देख सकते हैं जब आपने इनपुट को t0 से डिले किया तो आउटपुट भी t0 से डिले हुआ है. y आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया है, आउटपुट के एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है. क्लियर है अच्छे से. y आपका y स्क्वायर नहीं बन गया है, y में कोई चेंज नहीं आया है आपका, सिर्फ इनपुट डिले हुआ तो आउटपुट भी डिले हुआ है. तो ये आपका सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम. अगर आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो आप बोलेंगे सिस्टम क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है. ओके, नाउ यहां पर अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं समझाने के लिए टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट के लिए. लेकिन आपको एग्जांपल से पहले एक पॉइंट क्लियर रखना है कि जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने कंटीन्यूअस टाइम के लिए लिखा है, सेम आपका डिस्क्रीट टाइम के लिए भी वैलिड होगा. ठीक है, यहां पर डेफिनेशन दोनों सिस्टम के लिए सेम है. नाउ सपोज करिए आपका yt है 6xt+7. ओके, अब मुझे यहां पर चेक करना है कि ये आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. ध्यान से देखिएगा, यहां पर चेक करने के लिए दो स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है डिलेड आउटपुट. डिलेड आउटपुट की क्या मीनिंग है, कि आउटपुट आपका डिले हो रहा है t0 से, और वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो इनपुट के कारण हो सकता है, वो सिस्टम के कारण हो सकता है. तो आउटपुट मेरा डिले है t-t0 कर दिया मैंने, तो ये आपका अब सारी चीजें आपकी t-t0 हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6xt-t0+7, क्योंकि यहां पर और कोई t का टर्म तो था नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये हो गया आपका t-t0. क्लियर है अच्छे से. अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप करूं, डिलेड आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट. ओके, डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट. तो इस केस में आप देखिए
आउटपुट में आपका वापस से डिले हो रहा है, बट ये केस कहता है कि सिर्फ इनपुट में ही डिले हो रहा है, जिसके कारण आपका आउटपुट में डिले हो रहा है। तो यहां पर तो सिर्फ इनपुट में ही टी था, सिर्फ एक्स टी वाला टर्म ही था, तो यहां पर फिर से हो जाएगा 6x टी माइनस टी नॉट प्लस 7। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप था ना, उसमें आप ये मान के चल रहे थे कि आपका आउटपुट डिलेड है। वो किस कारण से हो रहा है? वो सभी कारण से हो सकता है, वो सिस्टम के कारण हो सकता है, वो इनपुट के कारण हो सकता है। तो आपने आउटपुट को डिले मान लिया था, तो आपने राइट हैंड साइड किया क्या, जहां जहां टी था वहां वहां टी माइनस टी नॉट पुट कर दिया। बट सेकेंड स्टेप ऐसा नहीं है आपका। सेकेंड स्टेप में क्या है, आप पहले लेके चल रहे हो कि आपने इनपुट को डिले किया टी नॉट से, मतलब जो भी इनपुट का टाइम था उसमें आपने माइनस टी नॉट कर दिया, जिसके कारण से आपका आउटपुट क्या हो गया, डिले हो गया। इस लाइन को आप लोग जब सुन रहे होंगे वीडियो में, तो आप जब अगला एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद इस लाइन को आप वापस से सुनिएगा, ठीक है ना। दो तीन एग्जाम्पल कर लेने के बाद जब आप इस लाइन को दोबारा से सुनेंगे, तब आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन आपके इक्वल हैं, तो ये आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आप देखिए, आपको बेसिकली थ्री एग्जाम्पल समझने होंगे तभी आपको ये सिस्टम समझ में आएगा। वाई टी इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं यहां पर 6xt, बट 6 के साथ यहां पर मैं मल्टीप्लाई बाय टी भी कर रहा हूं, 6txt प्लस 7। अब आप देखिए, अगर मैं पहले यहां पे निकालू डिलेड आउटपुट, तो ये किसी कारण से भी डिले हो सकता है, बट पहले गिवन है मुझे कि आउटपुट डिले है, माने आउटपुट का जो भी टाइम था उस पर मैंने माइनस टी नॉट किया। तो राइट हैंड साइड आप क्या करेंगे, हर एक टी की जगह आप पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट, एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस 7। अब डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको यह करना है कि आपको इनपुट को डिले करना है, सिर्फ इनपुट को ना, मतलब टी के साथ माइनस टी नॉट लगा देना है, ठीक है। तो इनपुट में डिले होने के कारण आपका आउटपुट भी क्या हो गया, डिले हो गया। तो अब देखिए क्या दोनों इक्वेशन सेम है, नहीं है। आप देखिए यहां पर जब आपने आउटपुट को डिले माना था, ठीक है, तो आपने राइट हैंड साइड में क्या किया, हर जगह टी की जगह टी माइनस टी नॉट पुट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने इनपुट को टी नॉट से डिले किया और माना कि उसके कारण से आउटपुट भी डिले हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए अब यहां पर टी माइनस टी नॉट हुआ था, यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ टी है, दोनों इक्वेशन आपके सेम नहीं है। तो ये सिस्टम हो जाएगा टाइम वेरिएंट, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, इसके बाद आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपको वाई टी दिया हुआ है 6x 3t प्लस 7, ओके। अब आप देखिए, पहला निकालेंगे डिले आउटपुट, डिलेड आउटपुट, ठीक है। तो आपने आउटपुट में डिले कर दिया, तो ध्यान रखिए जब आप आउटपुट में डिले कर रहे हैं तो डिले कर रहे हैं टी नॉट से, आप लेफ्ट हैंड साइड में टी की जगह टी माइनस टी नॉट नहीं पुट कर रहे, आप सिर्फ जो भी टाइम था उसको टी नॉट से डिले कर रहे हैं। अब मैं आपको बिल्कुल नॉन टेक्निकल टर्म में समझाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप लेफ्ट साइड में टी के साथ माइनस टी नॉट करते हैं, पर राइट हैंड साइड में आप क्या करते हैं, हर एक टी की जगह आप पुट कर देते हैं टी माइनस टी नॉट, ओके। यहां पर एक ही टी था तो मैंने टी की जगह पुट कर दिया टी माइनस टी नॉट। अब जो सेकेंड स्टेप है, डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट, ओके। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, अब आप क्या करेंगे, इनपुट में पहले डिले करेंगे, ध्यान रखिएगा डिले करेंगे। तो 3t टाइम 3t था, आपने माइनस टी नॉट से डिले कर दिया, तो आउटपुट में भी आपका डिले हो गया, ओके। तो आप दोनों स्टेप को फिर से समझिए। फर्स्ट केस में आप डिले आउटपुट लेके चल रहे हैं, मतलब आपने टी में माइनस टी नॉट कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, आप टी की जगह टी माइनस टी नॉट पुट कर देंगे, ओके।
नाउ सेकेंड स्टेप में आपका जो इनपुट है वो बोल रहा है कि इनपुट डिले हो रहा है, मतलब इनपुट को सिर्फ टी नॉट से डिले करना है. बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आप हर एक टी की जगह टी माइनस टी नॉट पुट करते हैं राइट हैंड साइड में, लेकिन सेकेंड स्टेप में जो इनपुट वाला जो टी है, सिर्फ इनपुट वाला टी, उसको टी नॉट से आप डिले करते हैं. तो अब अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो टाइम इनवेरियंट, अदरवाइज टाइम वेरियंट. तो आप देख सकते हैं ये है आपका टाइम वेरियंट. क्लियर है अच्छे से? तो ये तीन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू चेक टाइम वेरियंट एंड टाइम इनवेरियंट. ओके, यहां पर ये जो लास्ट एग्जाम्पल था उससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला होगा कि जब भी टी के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा या जब भी टी में कोई ऑपरेशन होगा तो ऑलवेज वो टाइम आपका वेरिएंट बन जाएगा. जैसे कि आप देखिए, अगर मैं यहां पर टी पे एक ऑपरेशन कर दूं, वाई टी इज इक्वल टू 6t² + 7, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, डिलेड आउटपुट. तो उस केस में आप क्या करेंगे, टी को टी नॉट से डिले कर देंगे वाई में, और यहां पर क्या करेंगे एक्स में टी की जगह टी माइनस टी नॉट पुट करेंगे. ओके, सेकेंड केस में आपको क्या करना है, डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट. ओके, इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में आप करेंगे कि अपने इनपुट को आपको डिले करना है, मतलब 6x जो भी इनपुट का टाइम है उसको आप टी नॉट से डिले कर दीजिए, जिससे आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा. ओके, तो फिर से देख सकते हैं दोनों इक्वेशन आपके सेम नहीं है और सिस्टम क्या बन जाएगा, आपका टाइम वेरिएंट. तो आई होप ये जो लास्ट के दो एग्जांपल किए हैं आपको क्लियर होगा कि जब भी आप इनपुट में टी के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब भी टाइम वेरिएंट हो जाता है, या इनपुट एक्सटी में जब भी आप टी का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या हो जाता है, आपका टाइम वेरिएंट हो जाता है. क्लियर है अच्छे से ये पॉइंट आपको? नाउ अब सपोज करिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं. सपोज करिए आपको वाई टी लिखा है 10d/dt(x t). ओके, ये आपको लिखा है यहां पर वाई टी. अब आपको यहां पर चेक करना है कि क्या गिवन सिस्टम आपका टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है. तो यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप करेंगे डिलेड आउटपुट, मतलब yt में तो t के साथ माइनस टी नॉट करना है बस, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या करना है, हर एक t की जगह आपको t माइनस टी नॉट पुट करना है. तो 10d/dt(x(t − t0). अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, 90% स्टूडेंट यही इक्वेशन लिखता है, लेकिन ध्यान से समझिए, ये जो आप d/dt कर रहे हैं उसमें भी तो t है ना आपका, तो यहां भी आपको क्या करना होगा, t − t0. ओके, नाउ अब क्या करना है, डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट. ओके, तो यहां पर अब आप देखिए, जब आप इनपुट में डिले करेंगे, सिर्फ इनपुट में, तो d/dt (x t − t0), तो आपका आउटपुट भी डिले हो जाएगा. ओके, तो अब अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप बोलेंगे दोनों इक्वेशन आपके सेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सेम है. क्यों, यहां पर टर्म को देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है डिनोमिनेटर का जो टर्म है dt − t0, तो आप देखिए अगर मैं इसे ओपन करूं, d(t − t0) को अगर मैं आपके लिए ओपन करूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, dt − dt0. ओके, अब dt0 है क्या, एक्चुअल में t0 तो आपका कांस्टेंट है, तो dt0 क्या हो जाएगा, d किस लिए यूज होता है आपका, d आपका यूज होता है चेंज, तो चेंज इन कांस्टेंट, या d इज फॉर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, तो ये आपका खाली बच जाएगा dt, ठीक है ना, तो ये बच गया dt. इसका मतलब ये जो इक्वेशन है और डिलेड आउटपुट वाला, और ये जो इक्वेशन है आपका डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट वाला, दोनों इक्वेशन आपके क्या हो गए, सेम हो गए. क्लियर है अच्छे से? तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप फंक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहां पर, सपोज करिए
आपको yt लिखा है यहां पर माइनस 20, ठीक है, 260 xt dt, ये आपको लिखा है yt। अब इसके लिए हमें चेक करना है कि ये टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। तो कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे डिलेड आउटपुट, तो क्या हो जाएगा ये आपका वाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट, और आपने अभी भी पढ़ा है कि डी में भी क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। ओके, क्लियर है, अच्छे से लिमिट आप लिख दीजिए माइनस 20 टू 60। अब आप क्या करेंगे, डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए माइनस 20 टू 60 एक्स टी माइनस टी नॉट डी टी, आपको सिर्फ डिले इन इनपुट करना है जिसके कारण आपका डिले इन आउटपुट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलेंगे यस डी टी नॉट तो आपका जीरो होता है, तो यहां डी टी नॉट की वैल्यू आप जीरो पुट कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा डी टी, तो आप बोलेंगे दोनों इक्वेशन सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, ध्यान से देखिए, यहां पर जो डी टी के रेस्पेक्ट में या बोले टी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये लिमिट्स भी तो आपकी टी की है ना। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या टी इक्वल टू माइनस 20 टी इक्वल टू 60, ये लिमिट आपकी टी की है। तो जब आप टी की लिमिट को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको टी माइनस टी नॉट पुट करना है, तो टी की लिमिट में भी तो आपको टी माइनस टी नॉट पुट करना होगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट इक्वल टू 60, टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस 20। ओके, तो यहां पर आप देखिए यहां पर जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट 60 प्लस टी नॉट, लिमिट तो टी की ही होगी, तो टी माइनस टी नॉट इक्वल टू 60, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 प्लस टी नॉट। लेकिन अगर आप नीचे वाले इक्वेशन में देखें तो आपकी लिमिट क्या है टी इक्वल टू 60 है, लोअर लिमिट को देखिए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 20 प्लस टी नॉट, लेकिन नीचे वाले इक्वेशन में देखिए टी इक्वल टू क्या है माइनस 20 है। तो आपकी लिमिट्स क्या रही, सेम नहीं रही, जिसके कारण से आप बोल सकते हैं कि ये इक्वेशंस जो हैं आपके वो सेम नहीं है, इसलिए ये सिस्टम जो है आपका वो है टाइम वेरिएंट। क्लियर अच्छे से। नाउ एक और एग्जांपल इंटीग्रेशन के ऊपर, सपोज करिए वाई टी है आपका माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी डी टी। ओके, तो यहां पर अगर आप डिले आउटपुट करते हैं तो वाई टी माइनस टी नॉट कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टी माइनस टी नॉट डी टी। अब आप बोलेंगे यहां पर मैंने टी की वैल्यू टी माइनस टी नॉट क्यों नहीं पुट की, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी लिमिट इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी प्लस टी नॉट या इन्फिनिटी माइनस टी नॉट करने का कोई फायदा नहीं है, आंसर आपका इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। तो इस केस में आप बोल सकेंगे कि आपके जो दोनों इक्वेशन बनने वाले हैं वो दोनों के दोनों आपके क्या बनने वाले हैं, सेम, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ किस कारण से चेंज हुआ था, लिमिट्स के कारण से। ओके, यहां पर भी आपका फर्स्ट इक्वेशन में डी टी माइनस डी टी नॉट होगा, बट मैं डी टी नॉट की वैल्यू नहीं लिख रहा, जीरो है ना, हमें पता है। अब तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जब आप कंपेयर करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में चूंकि लिमिट आपकी फाइनाइट थी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर फाइनाइट, ठीक है ना, तो इसलिए आपकी लिमिट चेंज हो गई टी माइनस टी नॉट करने से। लेकिन यहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इन्फिनिटी है, तो टी माइनस टी नॉट करने से लिमिट चेंज नहीं होगी, इसलिए ये जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम इन वेरियंट। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आप देखिए कुछ एक दो एग्जाम्पल डिस्क्रीट के भी ले लेते हैं। सपोज करिए yn आपको गिवन है xn, ओके, और आपको गिवन है यहां पर pn प्लस p ऑफ n माइनस 2, ओके, और यहां पर आपको गिवन है कि आपका जो pn है वो है आपका
n for all n. ओके ये आपको गिवन है, यहां पर pn है. तो मुझे चेक करना है yn आउटपुट और xr इनपुट के लिए कि सिस्टम आपका टाइम वेरिएंट है कि इनवेरिएंट है. तो यहां पर ध्यान से देखिए आप, पहले हमें pn को सॉल्व करना होगा. तो yn कितना हो जाएगा xn, देखिए pn की वैल्यू n है फॉर ऑल n, इसका मतलब जब pn है तो n है, तो यहां pn की वैल्यू क्या पुट कर देंगे n. अब अगर मैं n की जगह n-2 पुट करूं तो pn-2 क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा. आपको सेकंड वैल्यू pn-2 की चाहिए ना, तो जब pn n है तो n की जगह n-2 पुट करने से pn-2 क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा. तो यहां पर क्या आ जाएगा yn की वैल्यू xn into 2n minus 2, ओके या आप लिख सकते हैं yn 2 common 2xn into n minus 1, ठीक है यहां तक. नाउ अब आप देखिए, जब आप चेक करेंगे पहला डिलेड आउटपुट तो आपका क्या हो जाएगा yn minus n naught. अब आपको क्या करना है, हर एक n की जगह n minus n naught पुट करना है राइट हैंड साइड में. तो 2 n minus n naught minus 1 x n minus n naught. ओके सेकंड क्या है आपका, डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट. ओके तो यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको आउटपुट आपका डिले है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट में डिले होने के कारण है. मतलब आपको n की जगह जो इनपुट वाला xn वाला जो n है उसकी जगह n minus n not पुट करना है. तो 2n minus 1 x n minus n not. तो अब आप देख सकते हैं आपके दोनों इक्वेशन, डिले आउटपुट वाला और डिले इन आउटपुट ड्यू टू डिले इन इनपुट वाला सेम आपके नहीं है. तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, टाइम वेरिएंट सिस्टम. ओके क्लियर है अच्छे से. एक और एग्जांपल आप देखिए यहां पर, सपोज करिए आपको yn गिवन है 2xn, ओके और आपको यहां पे गिवन है p n प्लस p n माइनस 2. ओके ये आपको यहां पर गिवन है और यहां पर आपको गिवन है pn की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, ठीक है ये आपको गिवन है. तो अब अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में जाऊं तो yn की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2xn, ठीक है pn की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस 1 की पावर n. अब देखिए आपको चाहिए pn-2, मतलब आपको n की जगह पुट करना है n-2, तो क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 की पावर n-2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन. अब आप देखिए yn की वैल्यू क्या आ जाएगी 2xn और यहां पर 1 प्लस 1 2, ठीक है. अब आप देखिए यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर अब आपका आ जाएगा माइनस 1 की पावर n और माइनस 1 की पावर n माइनस 2. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है माइनस 1 की पावर n माइनस 2 है ना, तो डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हम इसे लिख लेते हैं yn इज इक्वल टू 2xn. ओके और आपका इन साइड में क्या बच जाएगा, देखिए ये बच जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 की पावर n, ठीक है ना, ये माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो गया, ठीक है. तो यहां पर आपका क्या बचा, yn इज इक्वल टू 4xn 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, क्लियर है अच्छे से. अब देखिए आपको यहां पर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये जो n है आपका इनसाइड है, ठीक है. तो अभी तक जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, ये इक्वेशन मैंने आपके लिए निकाल दिया है, अभी तक जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम विन वेरिएंट के लिए, ये आपके लिए अब होमवर्क है. यहां से आपको यहां पर चेक करना है कि ये आपका टाइम वेरिएंट है और
टाइम इनवेरिएंट है। ये आप चेक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए कि आपका आंसर क्या आया। ओके, नाउ एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट में। सपोज करिए yn आपको गिवन है यहां पर xn pn प्लस pn माइनस 3। ओके, और pn की वैल्यू आपको गिवन है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। पूरा सेम है आपका जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं, बट वहां पर pn माइनस 2 था, यहां पर pn माइनस 3 है। तो yn की वैल्यू क्या हो जाएगी, xn। ओके, यहां पर अब आप देखिए pn, pn की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, pn माइनस 3, मतलब n की जगह n माइनस 3, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 3। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए yn की वैल्यू क्या हो जाएगी, xn, और अब आप इसे देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस माइनस 1 का n डिवाइडेड बाय माइनस 1 का क्यूब। अब हमें पता है कि माइनस 1 का क्यूब जो होता है वो माइनस 1 होता है। ओके, तो यहां पर आप देखिए यहां सामने माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस, और यहां पर माइनस 1 की पावर n जो है वो प्लस में है, तो एक माइनस 1 की पावर n प्लस में हो जाएगा और एक माइनस 1 की पावर n माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल, अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये आ गया yn इज इक्वल टू 2xn, और इसे आप जानते हैं, सॉल्व कर चुके हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस को। ये हो जाएगा आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के। ठीक है, आप और भी क्वेश्चन कलेक्ट करिए, उन्हें प्रैक्टिस करिए, और अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट करिए। ओके, और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। ओके, थैंक यू।